सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। अब तक सहारा सेविंग के अकाउंट से 5,000 करोड़ की राशि रिलीज होकर सीआरसी के पास नहीं आई है और सीआरसी के पास जब आएगी तो आगे क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए मैं यहाँ ये पे ये कहूंगा कि 5,000 करोड़ आपकी नजर में हो सकता है ये छोटा अमाउंट हो, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। औसत 1,00,000 प्रति व्यक्ति का निवेश मानते हुए यदि आप उसको डिवाइड करेंगे तो जानेंगे कि कितने निवेशकों का भुगतान हो सकता है। 5,000 करोड़ की राशि की ही बात इसलिए आई क्योंकि फिलहाल सीआरसी के पास कंप्लेंट्स उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब ये 5,000 करोड़ की राशि जो कि सहारा सेवी अकाउंट से सीआरसी को आनी है उसकी अपनी एक विधिक कार्रवाई है, पूरा एक प्रावधानों के तहत ये काम होगा। सीआरसी यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार खुद नहीं बैठेंगे उसके निपटारे के लिए, उसके लिए एक टीम गठित होगी, पूरा एक प्लान डिजाइन होगा, एक पूरी प्लानिंग बनेगी कि किस प्लानिंग से साथ किस डिजास्टर तरीके से इस राशि का भुगतान किया जाएगा वो पूरी प्लानिंग बनेगी। लेकिन निवेशकों को ये नहीं सोचना है, निवेशकों को तो केवल और केवल ये सोचना है कि क्या आपकी क्लेम याचिका, क्या आपकी क्लेम पिटीशन बनकर सीआरसी के पास पहुंच चुकी है। यदि आपकी क्लेम पिटीशन बनकर अभी तक सीआरसी के पास नहीं पहुंची है तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप अपनी क्लेम पिटीशन तैयार करें सोसाइटी वाइज, और सोसाइटी वाइज क्लेम पिटीशन तैयार करने के बाद उस क्लेम पिटीशन को आप त्वरित रूप से सीआरसी को और सोसाइटी आरओ को प्रेषित करें और उसका रिकॉर्ड अपने पास संधारित रखें। जब आप ये क्लेम याचिका भेज देंगे तो सीआरसी द्वारा सोसाइटी के संधारित अभिलेख में उसको दर्ज किया जाएगा और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपसे पहले कई लोग यह क्लेम याचिकाएं भेज चुके हैं जो कि क्यों में आ चुके हैं। यदि आपने नहीं भेजी है तो आप तुरंत भेजें ताकि आप भी नीचे की क्यू में जुड़ सके और यदि कोई राशि बचती है तो आपको भुगतान होगा। और यदि किसी कारण से राशि समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है और निवेशकों का भुगतान शेष रहता है, ऐसी अवस्था में सीआरसी की जो टीम है जो कि पूरी इस काम को करेगी वह अपना रिकॉर्ड पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और यदि ये निस्तारण होता है तो आगे से एक और राशि रिलीज होकर इसी रूप में आएगी और निवेशकों को भुगतान होगा। तो जिन लोगों ने अपनी क्लेम याचिकाएं भेज दी है वहां भी कम से कम क्यों में रहेंगे और उनको भुगतान होता रहेगा। ध्यान ये रखें कि सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा, इस पद्धति पे बिल्कुल न रहे। अपनी क्लेम याचिका यदि फाइल नहीं की है तो आज ही करें क्योंकि एक पूरा एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म तैयार होगा और उस मैकेनिज्म के आधार पर राशि का भुगतान होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 9 महीने का टाइम दिया गया है और चूंकि प्रक्रिया है साल भर का भी वक्त लगे, 1.5 साल का भी वक्त लगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए और समय रहते अपनी क्लेम याचिकाएं पेश करनी चाहिए। यदि आपका इस संदर्भ में कोई भी सवाल है तो डिस्प्ले में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आप हमें सवाल व्हाट्सएप करें। आपके सवाल का यदि हमारे पुराने वीडियो में कोई जवाब नहीं आया है तो हम आपको उसका जवाब पोस्ट करेंगे और हमारा प्रत्येक वीडियो जरूर देखें। यदि आप हमारा प्रत्येक वीडियो जरूर देखेंगे तो कोई भी सवाल आपका बाकी नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।